हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनीवाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, 12:20 का शो मूवी मैक्स, इससे पहले ये PVR था, अभी मूवी मैक्स हो गया। तो दोस्तों, 12:20 का मैंने अवतार 2, जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे 12 मिनट की फिल्म देखी है। दोस्तों, 12:40 में मूवी चालू हुआ। अभी टाइम कितना हो रहा है आप देख सकते हो घड़ी में, 4:04 बज रहे हैं, सुबह हो गई, रात की चालू हुआ, सुबह हो गया। चलिए अब बातें करते हैं हम स्टोरी की। मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था थिएटर में, नहीं मोबाइल पे देखा था। कहानी सेम वहीं से स्टार्ट होती है जब वो साथ, पहला पार्ट में क्या सीन था कि वहाँ पे मोहब्बत ज़्यादा दिखाया था, एक्शन सीन भी काफ़ी था, उसके बाद शादी हो जाता है, ये चीज़ दिखाया है सेकेंड पार्ट में। और उसके बाद उनके बोले, वो बोलते ना हम दो हमारे दो, यहाँ पे हम दो हमारे चार है, उनके 2 बेटी और 2 बेटा रहता, उसको लेकर स्टोरी दिया गया है। दोस्तों, फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ आपको ना पूरी की पूरी ना आपको सिर्फ विजुअल और VFX देख देख के ना निकल जाएगी, क्योंकि बीच बीच में मूवी स्लो हो जाती है। विजुअल की बात करें तो बहुत खूबसूरत है, VFX कोई टक्कर में नहीं है। VFX बोले तो हॉलीवुड की सारी फिल्मों को अगर जोड़ लो ना, फिर भी ना ये आगे निकल जाएगी VFX के मामले में। क्या VFX लाला है, सुपर यार, दिल ना खुश हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा VFX देखने के बाद ना कि स्टोरी क्या चली है। देखो, स्टोरी कुछ नहीं है, सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी में अगर हम स्टोरी की बात करें ना, तो स्टोरी 1% भी अच्छी नहीं है इस मूवी का, लेकिन विजुअल और VFX मूवी को संभाल लेती है फर्स्ट आपको। बीच में थोड़ी थोड़ी सीलो होती है मूवी, आपको थोड़ी थोड़ी बोर करती है, लेकिन कुछ ऐसी सीन्स हैं मूवी के अंदर जो आपको पकड़ के रखती है। चलिए अब बातें करेंगे हम सेकेंड हाफ की। तो सेकेंड हाफ मूवी ने पूरा का पूरा फाड़ दिया, कसम बता रहा हूँ, सेकेंड हाफ मूवी पकड़ ऐसी पकड़ी ना भाई, ऐसी पकड़ी ना, कब 4 बज गया ना भाई पता ही नहीं चला। अरे क्लाइमैक्स, माय गॉड क्या क्लाइमैक्स था यार, वो पानी का एक एक सीन मेरे दिमाग में अभी भी नाच रही है। पैसा वसूल मूवी, मानता हूँ मूवी बहुत लंबी है, 3 घंटा 12 मिनट की मूवी, इतना टाइम देना थिएटर में बहुत बड़ी बात हो जाती है। 90s की मूवी नहीं है शोले, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कि आप इतना टाइम दे सको, लेकिन आजकल के लोग पास टाइम नहीं है और इतना लंबी मूवी नहीं देखती। लेकिन यह मूवी ना फैमिली ऑडियंस को पसंद आ गई, खासकर जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना इस मूवी को ना बार बार देखेंगे, क्योंकि यार इस मूवी के जो बनाने का जो उनका जो पॉइंट था ना, खासकर वो ना फैमिली ऑडियंस और बच्चे को नज़र में रख के बनाए, सिर्फ फोकस दिया उन्होंने VFX पे। VFX बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है, स्टोरी में दम नहीं है, वही सिंपल सी स्टोरी है कि उसको पकड़ के मारना है, जो फर्स्ट पार्ट में विलन था वही विलन है, बस वही है कि वो गांव चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो जंगल में रहते हैं, सेकेंड पार्ट में वो पानी का दिखाया ऐसा सीन थोड़ा सा मिक्सिंग किया उसने। तो दोस्तों, मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी। अगर इस मूवी को आपको देखना तो आप देखो, आपको पैसा वसूल हो जाएगा। देखो, मेरा रात में देखा मैंने, तो रात में मेरा पैसा वसूल हो गया है, तो मैं आपका भी बोलूँगा कि आपका भी पैसा वसूल हो जाएगा। दोस्तों, अगर मूवी की रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को मैं दूंगा दोस्तों 4 स्टार, 1 स्टार इसलिए काट रहा हूँ कि मूवी को और छोटी कर सकते थे, इतनी लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब 2.5 घंटे 2.25 घंटे में मूवी को ख़त्म करते तो और भी मज़ा आता, तो नो डाउट आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, आप देखो, बस इतना ही बोलूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।